उत्तर प्रदेश की जनता मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ड्रग विभाग के टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मंडी कोतवाली क्षेत्र के शेरनगर गांव में मुखबिर की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट ड्रग विभाग की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान इकराम के छोटे भाई इनाम के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 मंजिले घर के अंदर से सैंपल और बिना सैंपल के एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद किया है, साथ ही साथ जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि नव निर्वाचित प्रधान इकराम के बारे में जानकारी की जा रही है कि इसकी संलिप्तता दवाइयों के व्यापार में तो नहीं थी। इस दौरान आरोपी इनाम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट और ड्रग्स इंस्पेक्टर ने जानकारी भी दी है। सर क्या मामला है, किस तरह की छापेमारी है? 2-3 दिनों से खबर मिल रही थी कि यहाँ बहुत बड़े स्तर पर एक्सपायरी का कारोबार चल रहा है, सेंटर का कारोबार चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट का और हम और जो है पुलिस बल मंडी से हम लोग आए और यहाँ इनके ग्राउंड फ्लोर पर भी और सेकंड फ्लोर पर भी फर्स्ट फ्लोर पर भी भारी मात्रा में एलोपैथिक औषधियाँ पाई गई। एलोपैथिक औषधियाँ पाई गई जिनमें मैक्सिमम मोर देन 80% एक्सपायर हैं। उनमें से कुछ इरेज करके उनको जो है एक्सपायरी बढ़ा करके लिखा गया है और कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन है और कुछ फिजिशियन सैंपल हैं। ये फिजिशियन मुझे मेरा जो अनुमान है कि फिजिशियन सैंपल खुद बनाती हैं उन्हें एक्सपायरी दवाओं को जो है इरेज करके उनको प्रिंट हटा करके रेट मिटा करके उनको फिजिशियन सैंपल बना करके बेचा जाता है या डॉक्टरों को भी दिया जाता होगा या इंटीरियर में भी सैंपल के तौर पर दिया जाता होगा। सर छापेमारी चल रही है, क्या मामला? देखिए 2 दिन पूर्व ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव श्रीनगर पड़ता है थाना नई मंडी के अंतर्गत, इसमें एक इनाम पुत्र यासीन नाम के व्यक्ति है, वो अपने घरों से दवाइयों का व्यापार करते हैं। उसको लेकर आज ड्रग विभाग की टीम तथा SHO जो नई मंडी है उनके साथ यहाँ पर छापा मारा गया और छापे में ये पाया गया कि काफ़ी भारी संख्या में यहाँ दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं और ड्रग्स विभाग की टीम ने जब उनको जाँच पड़ताल की तो पाया कि अधिकतर दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं और जो इनाम पुत्र यासीन थे वो मौके पर उपस्थित नहीं मिले हैं। तो अभी उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कहाँ से दवाइयाँ लाते थे, कहीं का व्यापार करते थे और डॉक्टर बाकी टीम अभी भी अपनी कार्रवाई कर रही है और जाँच पूरी करने के उपरांत जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की। सर कोई लाइसेंस थे वगैरह था अभी तक? चूँकि जो मेन आदमी है वो यहाँ उपस्थित नहीं था, परिवार वालों के द्वारा कोई भी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद लाइसेंस नहीं होगा इनके पास और जो मेन इसका व्यक्ति है उसको हम लोग लगातार टेस्ट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर कितनी कीमत होगी इस दवाइयों की? देखिए ड्रग्स इंस्पेक्टर ने जो अभी तक बताया है इनकी कीमत मैं समझता हूँ 50 लाख से ऊपर ही है और अभी सही आकलन की जो टीम है पूरी सहारनपुर और जो गाजियाबाद से आ रही है वो पूरी टीम इनका आकलन करेगी तब इसकी सही एक्यूरेट कॉस्ट सामने आएगी। अच्छा सर इनके भाई प्रधान भी है इकराम, तो क्या उनका भी कोई इन्वॉल्व है किस तरह का? देखिए ये जो मकान है इसमें अंदर हमें कुछ बैनर्स लगे मिले हैं जिसमें जो इसमें वर्तमान प्रधान है इकराम उनके बैनर्स हैं, तो अभी क्या संबंध है इनका उनसे उसकी जानकारी की जा रही है और उसके बाद ही कोई